नमस्कार, बीएसएम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस नेता एडवोकेट कबीर सिक्वल ने तीन वकीलों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कांग्रेस के एडवोकेट ने बताया कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में गांधी परिवार पर जुबानी प्रहार करते हैं, अपने भाषण में गांधी परिजनों पर झूठे आरोप भी लगाते हैं, जबकि पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार ने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे आदरणीय परिवार के लिए अपने चुनावी प्रचार के चलते अपशब्द बोलना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुना, चौकीदार चोर है पर भी सवाल किया। इस याचिका पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी। देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला किसकी झोली में गिरता है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर तनवीर की जुबानी। कांग्रेस नेता एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तीन वकीलों के साथ मिलकर याचिका लगाई कि नरेंद्र मोदी जो गांधी परिवार के ऊपर अनशन बोलते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका लगाई। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत इत्यादि इत्यादि। अब विचित्र बात यह है कि हमने 30 दिन पहले ये याचिकाएं देनी शुरू की थी। आज 30 दिन से चुनाव आयोग की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। न हमारे स्वीकार किया है याचना को, लेकिन उससे भी ज्यादा अचंभे की बात, न उसको निरस्त किया। तो कई बार न निर्णय करना अपने आप में एक निर्णय बन जाता है। नॉन डिसीजन इज ए डिसीजन बाय डिफॉल्ट। और जहां चुनाव की प्रक्रिया 2 महीने से कम की होती है, वहां अगर 1 महीना आपने निकाल दिया बिना कोई निर्णय दिए, तो मैं समझता हूं वो अपने आप में एक लाभकारी निर्णय बन जाता है इन व्यक्तियों के लिए। तो हमने इतनी बार याद दिलाने के बाद, 10 याचिकाओं के बाद, मैं कल भी चुनाव आयोग गया था, विवश होके उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई। यानी ये सजेस्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ये कह सकता है या कहा है। इसके लिए हमने बड़े स्वतंत्र सीधे रूप से कहा है कि न हमारा कभी इरादा था, न उद्देश्य था, न मंतव्य था, और न हम इसको समर्थन करते हैं, और इसके लिए हमने रिग्रेट कहा है।